लग जाएगा चोट सुई थी, दोनों को भगा देंगे बाहर। कैसे कर रही हो? क्या समझ रही हो? मैं हूं संदीप। आज मैं करने वाली हूं एक बहुत ही मजेदार प्रैंक अपनी मम्मी पे। और जैसे कि आपको मेरे प्रैंक बहुत पसंद है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करो। और ये प्रैंक क्या होने वाला है, इधर आओ अभी बताती हूँ। तो मैं करने वाली हूँ अपनी मम्मी पे फाइटिंग प्रैंक, वो भी बहुत बहुत एक्सट्रीम फाइटिंग प्रैंक। मतलब इस प्रैंक में मैं और मेरी बहन इतना लड़ेंगे कि ये लड़ाई कभी भी मेरी मम्मी ने देखी होगी और उनको लगेगा कि ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया। और इतना लड़ेंगे कि रुकेंगे ही नहीं हम लोग। और मुझे अच्छे से पता है कि वो बहुत शॉक हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया। तो आप लोग तो समझ गए, अब चलो हम चलते हैं प्रैंक करने। और मैं अपना कैमरा सेट करती हूँ जहाँ पे मैं हमेशा करती हूँ। तो हमारा कैमरा सेट हो चुका है बिल्कुल, कैमरा नंबर 1 और कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3। चलो जाके इलाज कराओ। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रैंक हमारा बिल्कुल अभी शुरू होने वाला है और मैं बहुत अंदर से वो हो रही हूँ कि पता नहीं अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। अम्मी मारने पिटने लग जाए यार, बहुत ज्यादा डर रही हूँ अंदर से। मुझे लग रहा है कि अम्मी बहुत ज्यादा घबरा उबरा जाएंगे। देखो मैंने अपने बाल वाल भी सेट कर लिए, बिल्कुल ऐसा लगा कि नॉर्मली हम किस चीज के लिए तैयार हुए थे और बस अब लड़ रहे हैं। तू क्या बोलेगी? हां तू क्या बोलेगी? क्या है बोल, क्या है? ऐसे क्यों मार रही हो? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ज्यादा अपने आप ये मत करो, ऐसे क्यों मार रही हो? क्या है? हाथ पे चोट लग रही मेरे। तू क्या समझ रही है अपने आप को? पिट आ, 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 कैसे कर रही हो? लग रहा है मेरे हाथ पे। क्या हुआ? क्यों टोक मार रही हो? बहुत ज्यादा बनती है ये, तुम बीच में आओ हटो। दो पागल हो गई दोनों बहन, कभी तो ऐसे नहीं लड़ाई करती थी, क्या हो गया? ये अपने आप में समझ क्या रही है? तुम अपने आप को क्या समझ रही हो? क्या समझ रही हो अपने आप को? तू बताना, जो ज्यादा ये ड्रामा कर रही है ना। हाथ मत चलाओ, झगड़ा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है बात तो बताओ। हाथ मत चलाओ मेरे पर, हाथ मत चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? क्यों नहीं चलाओ? रोज झूठ का लड़ाई झगड़ा कर रही है तो तुम। अरे तुमको पता नहीं अम्मी ये कितनी बड़ी बात है ये? अच्छा पता चल जाएगा ना तो तुम्हारा भी। क्या बड़ी बात है? ज्यादा बड़ी मत बताती नहीं हो, किसी बड़ी बात है क्या? बात नहीं अपने ज्यादा बड़ी बन रही हो ना, बड़ी मत बनो ज्यादा। नहीं मत करो, गिर पड़ जाओगी। ओ भाई ये क्या है? कैसे कर रही हो? दोनों बहन बदतमीज हो गई है, बैठे हुए हैं लड़ाई झगड़ा कर रही है। रुको जरा, सब्र करो। बता तो कि तू क्या समझ रही है? इसको ठग मारूंगी। हां इसको ठग मारूंगी। तो ये अभी बीच में मत आओ प्लीज। लो ये सब चीज छोड़ो, ये मत आओगी तो मम्मी बाहर जाओ प्लीज। ये सब काम मत करो, फट जाएगा बेकार का। ये सब से हटा दो, बताओ ना मम्मी अभी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ला रख देते हैं उसको। ये सब काम मत, बोलो बोलने का लड़ाई करो, ये सब हटा। नहीं आखिर बात क्या है, बैठ के सुलझाओ, कुछ हुआ तो बताओ। घर में या तो ये रहेगी या तो मेरे को रहने दो। अच्छा तुम ज्यादा जो बोल रही हो ना, ये मत एक्टिंग करके दिखाओ मेरे सामने, ठीक है ना? तू ऐसा कर क्यों रही है ये बताना। तू ऐसा कर क्यों रही है? छोटी छोटा मत करो, अब ये छोटी छोटा कुछ नहीं होता। मैं बड़ी बहन है ना तो तरीके से बात करो ना, इससे ऐसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा किया तरीके से। इसको बोलो बात करे, तरीका जो इसका चला गया ना। हम लोग भी अपने बहन सबके साथ रहते थे, इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तुम लोगों का टाइम अलग था अम्मी। क्यों अभी का टाइम क्या हो गया? दिल कर रहा है अभी दोनों को पटक के पीटे हम। हाथ पे इतनी चोट लग गई मेरे इसी की वजह से। चोट लगेगी नहीं, तुम लोग ऐसा लड़ाई इतना भयंकर लड़ाई करे, कभी नहीं ऐसा लड़ाई करते। आखिर वजह क्या है लड़ाई का? अरे अम्मी छोड़ो वजह तो मत पूछ, तुम यहाँ से चली जाओ ज्यादा अच्छा। चली जाए तुम लोगों की सिर फोड़ लो। तुम यहाँ पे आके फालतू अपना टाइम वेस्ट करो। चलो अम्मी तुम जाओ यहाँ से, हम लोगों को रहने दो। चुप रहो, ज्यादा बोलो मत, समझ गई? पापा अभी आते हैं ना तब लड़ाई झगड़ा उनके सामने करके दिखाओ ना। मेरे सामने तो चल जाता है, पापा के सामने करके दिखाओ। इसको बोलो ना करके दिखाए पापा के सामने। क्या दोनों छोड़ो, पकड़ो वोट मत छोड़ो छोड़ो। ये हाथ जो तुम्हारा चल रहा है ना दादा, कैसे मार रही हो मेरे? बोल मत, नहीं तो सच में अभी इतना पिटेगी। बैठो, बहुत दिमाग खराब कर रही है। वजह कोई नहीं बताएगा, सिर्फ झूठ का लड़े जा रही दोनों बहन। हाथ हो गई अब, कितना मेरे हाथ पे लग गया, पूरा हाथ पे लग गया। झूठ बोल रही है। तुम ये थप्पड़ लगाओ मुंह पे, थप्पड़ मत लगाओ मेरे को। बोल दो या तो ये। चुप रहो तुम। समरीन तुम हाथ बहुत छोड़ रही हो, समझ गई? बड़ी बहन पर हाथ है। तू क्या रुक जा? हाँ क्या रुक जा? लाओ लाओ, इससे मारोगी? इससे मारोगी? इससे मारेंगे? नहीं पागल हो गई है, पिटेगी ये। दिमाग खराब, पागल हो, चोट लग जाएगा सर ऊपर मेरे हाथ में। दो लग जाएगा चोट सुई थी, छोड़ने नहीं दे रही है ये लोग, पागल हो गई है एकदम। इसका सर फाड़ दे। ला ला, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। मार दोगी क्या इसको? वजह नहीं बताना क्या है? नहीं है इतना लड़ाई झगड़ा, पता नहीं किस बात का दोनों बहन में लड़ाई हो रहा है। पापा को कॉल करते, मेरा फोन किधर है?
पापा को भी बुलाना होगा। कभी इस तरह का झगड़ा होता समझने की कम नहीं है। अभी सर फट जाता है इसका। छोड़ दो कुछ भी वो नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दो। बहुत ज्यादा ही दिमाग इसका खराब हो गया है। तबीयत भी खराब थी इसकी, तबीयत खराब थी जब दिख रहा है इसकी तबीयत खराब तो बिल्कुल भी लग रही, कैसे मार रही है। आखिर बात क्या है, तुम अपना रखो तो बात की, कुछ करिए, ये क्या करिए बता। इसको बोलो मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहे, समझ गई ना, दूर रहो मेरी पर्सनल लाइफ से। चलो बैठो, अलग बैठो इधर एकदम, दोनों इधर यहाँ पर से कोई नहीं। अब बताओ क्या हुआ है, क्या बताएगी, बताओ ये बताएगी क्या। ये तो अभी मार रही हो ना तुम, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। सर फट जाएगा फालतू में। समरीन ये सब काम करोगी, बहुत ज्यादा हो कर लियो। अब उसको नहीं बोल रही हूँ मैं, कैसे कैसे मार रही है ना, ये बदतमीजी मत करो, समझ गए। दोनों को भगा देंगे बाहर, बाहर जाकर लड़ाई करो जाकर। मारो उसको, कैसे कर रही है तो, तुम कौन सी कर रही हो, तुम क्या यहाँ पर कर रही हो, तुम भी कम नहीं हो, गिलास उठाकर मार रही। बता मेरे घर में क्या सब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इसको तो यही बनाओ, तो इसको ना गिलास उठाकर ही मारने की जरूरत, गिलास उठा के मारने के। दोनों आ गए यहीं पर, फिर अलग बैठा रहे फिर भी नहीं है, तो बताओगी जब पता नहीं है तो प्लीज मत बोलो, बताओ ना। नहीं बता सकते अभी, नहीं बता सकते, थक चुके ये दोनों को एकदम ये करके, ये बोलते बोलते सांस फूल गया मेरा एकदम। हमेशा लड़ाई करती रहती है ये दोनों, आज की तरह इतना हुआ नहीं है कभी भी, आज किस बात की लड़ाई इतना हो रहा है। अम्मी तुम बीच में मत घुसो। क्यों नहीं घुसे, नहीं घुसो बस रहने दो, ये अब खत्म होगा, आज के बाद तुम रहोगी या मैं रहूंगी, बस बात खत्म। अभी यहीं पे अलग करो, हाँ ये जो एक रूम है ना हम लोग का, नहीं रह सकते हम लोग इसमें तो बिल्कुल भी, अलग करो हम लोग को। अलग कहाँ से अलग करें, कहीं और दे दो, इससे इसके साथ तो प्लीज नहीं। आखिर दोनों बहन इतना अच्छा सा मिलके रहती थी, दोनों बहन वो लड़ाई भी करती थी फिर भी मिलके, आज कितना क्या हो गया था दोनों इतना कि अपना रूम शेयर नहीं कर सकती। पूरे टाइम ज्यादा बनती रहेगी खुद में, पता नहीं क्या समझती है। अच्छा तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा वो समझती हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो क्या है, इतना अच्छा प्यार से रहती थी तुम लोग। क्या हमको देखना पड़ रहा है ये सब, गले पर हाथ कैसे डाली सब स्वीटी, इतना तुम गुस्सा किस चीज का गुस्सा है तुम बताओ तो। इसको नहीं बोला जा रहा है, यही तो कमी है तो घर में, इसको कुछ नहीं बोला जाएगा, सारा मेरे ऊपर इल्जाम आएगा। बहुत ज्यादा कर रही हो तुम, बहुत ज्यादा, ये जो हाथ गले तक पहुंचा रही हो ना, मेरा हाथ चला गया ना फिर पीछे हो जाओगी सीधा। खुद हम ही घर से निकल जाते हैं, तुम लोग रहो, नहीं तुम लोग रहो, हम ही चले जाते हैं, तुम दोनों बहन अपना लड़ाई झगड़ा करती रहो। इसको निकालो अम्मी घर से, बस हम लोग रहेंगे, हम ही निकल जाते हैं, इसको निकालो यहां से, दोनों बहन रहो हम ही निकल जाते हैं, लोग ही रहो हम निकल जाते हैं, तुम लोग अपना दोनों लड़ो झगड़ो जो करना है। इसको निकाल दो घर से, इसको कभी भी नहीं समझ, सारे में दर्द हो गया तुम कभी नहीं समझ पाओगी अम्मी, कभी भी अम्मी के पास इतना वो ही नहीं है दिमाग, दिमाग नहीं है, तुम लोग बताओगी जब तो समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रैंक हो रहा है। प्रैंक हो रहा है, प्रैंक मत किया करो, तुम बताते रहे कि प्रैंक नहीं किया करो। मेरा तो दिल बैठ गया कि लोगों को क्या हो गया, कोई सिखा बुखा तो नहीं दिया कि तुम अपने घर में लड़ाई झगड़ा करो। ये प्रैंक हो गया, मेरे पता है सच का, सिर में दर्द हो गया मेरे एकदम, बकरा मुझे ही बना, कोई बात नहीं, तुम पापा के साथ क्यों नहीं करती हो। तो हमारा प्रैंक अच्छे से सक्सेस होता है, अम्मी को बिल्कुल पता नहीं चला, और गाइस चोट बहुत लगी है यार इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन गाइस अम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। इस तरह का प्रैंक मत किया करो, मुझे बहुत टेंशन हो गई। हाँ गाइस अम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत अभी तक ये हार्ट बीट अम्मी की बहुत तेज हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बहन को हुआ क्या। चलो हल्का फल्का हो जाता था, लेकिन आज तो आज वाला कुछ ज्यादा था, मतलब सामने से कोई एक दूसरे को मारने पर भाई गला वाला दबाने पे तो अम्मी की हालत ही खराब हो गई थी। हो क्या रहा घर में, मुझे तो लग रहा था कोई लोग कहा है कि जाके लड़ाई करो। कोई भी घर में नहीं, अकेली हूँ मैं, किसको अभी पापा को कॉल भी करने वाली थी, अभी फोन करके बुलाते उनको। चलो कोई बात नहीं, ये प्रैंक ही था, रियल में थोड़ी ऐसा होता है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी अपने भाई बहन से नहीं लड़ते हो, अगर मैं भी नहीं लड़ती हूँ, कोई भी नहीं लड़े, अपने फैमिली के साथ एकदम अच्छी तरह से रहे। बस ये भी खत्म होती मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और गाइस हम लोगों ने और अम्मी जो इतना परेशान हुई और मैंने जो ये प्रैंक बहुत मेहनत से किया, इसके लिए लाइक तो जरूर कर देना अभी के अभी। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करो, आपको इसमें दिख रही होगी, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।